तो कैसी है हमारी डीप लाइफ फैमिली, मैं हूं आपका डीप लाइफ एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, पिछले निटिंग के वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार बरसाया। देयर वाज आल्सो गिव अवे इन दैट वीडियो। मैंने अपना हैंड निटेड स्कार्फ गिव अवे किया था, वो विनर को पहुंच गया है। तो जब भी हमारे चैनल पे गिव अवे होता है, जम के पार्टिसिपेट करना, क्योंकि क्या पता कल आप विनर बन सकते हो। रोल द इंट्रो प्लीज। आई नेवर इमेजिनड अ गाय निटिंग वुड एक्चुअली वर्क, बट बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया। इवन माई कजिन कॉल्ड मी एंड ही वॉज लाइक आई वॉन्टेड टू लर्न निटिंग ऑलवेज, एंड तेरा वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आई गॉट टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो गाइज, आई गेस डीप लाइफ इज रियली मेकिंग निटिंग कूल इन इंडिया। गाइज, मैं मुंबई के जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इवन ये मौसम में ठंड पड़ती है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट क्रिएट अ चंकी स्कार्फ फॉर माई सेल्फ। वैसे मैंने ऑनलाइन देखा तो स्कार्फ के डायरेक्टली मुझे इतने ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन मिले नहीं। मुझे स्पेशली वो लुक चाहिए थी जो बहुत सारे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ कैरी करते हैं, दैट चंकी स्कार्फ दैट इज़ ऑलवेज पॉपुलर ऑन पिंटरेस्ट। सो आई हैव ऑर्डर्ड माई सेल्फ सम चंकी सॉफ्ट वूल। सो द कलर दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज सार रेड। इट्स अ रियली ब्यूटिफुल कलर एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस स्कार्फ रियली लॉन्ग। इट्स गोइंग टू बी अबाउट taller than me. I'm about 6 feet tall, so it's going to be about 7 feet tall, I guess. So guys, aur waqt zaya na karte hue, let's teleport to my drawing table and let's start knitting. Okay guys, let's start the unboxing. Though maine magic needles se wool is baar mangaya hai, you can also order from Amazon. ये यार्न मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड आई ऑल्सो लव द कलर। ऑल्सो ये यार्न बहुत ज़्यादा महंगा है कम्पेयर टू द यार्न्स यू गेट ऑन अमेज़ॉन, पर आई रियली लव द क्वालिटी। यू कैन सी द ब्राइट रेड कलर। आपको क्वालिटी का अंदाज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक आप हाथों से इसे फील नहीं करते। सो सबसे पहले हमें बनानी एक स्लिप नॉट। मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में नेटिंग को सिखाया था। तो स्लिप नॉट बनाने के बाद नीडल को नॉर्थ से एंटर कराना है एंड आई एम यूजिंग अ स्किनी नीडल। अभी मैं इसमें स्टिचेस ऐड करूंगा जो एड्स के शेप के होते हैं, कुछ इस तरह। आई एम एडिंग अबाउट 15 स्टिचेस। जितने ज़्यादा स्टिचेस आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा वाइड स्कार्फ बनेगा। आई एम क्वाइट हैप्पी विथ 15 स्टिचेस। और जितना ज़्यादा निट करते जाओगे स्कार्फ उतना ज़्यादा लंबा होता जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में नहीं समझी तो वीडियो जस्ट थोड़ा रिवाइंड करके वापस से देख लेना। मैं पतली नीडल्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट रो होता है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। पतली नीडल्स से रो टाइट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं निटिंग। नीचे से नीडल डालनी है, फिर यार्न लोड करना है। लोड किए हुए यार्न को सिक्योर करते हुए दूसरा सिरा उधर पटक देना है। अगर आपको सिर्फ इतना करना आ गया तो आप एक स्कार्फ निट कर सकते हो। मैं आपको रिपीटेशन के साथ दिखा रहा हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज कलेक्ट द यार्न, लोड द यार्न एंड थ्रो इट ऑन द अदर साइड। गाइज, ये नीडल्स छोटी है इसलिए थोड़ी खिचड़ी होती है स्टार्टिंग में, बट बाद में जब भी मैं बड़ी नीडल ऐड करूँगा सब प्रॉपर से बैठेगा। अभी आई एम इंट्रोड्यूसिंग द फैटर नीडल। ऑल यू हैव टू डू इज कीप निटिंग। तो इसे निट करना कहते हैं। निट कंटिन्यूसली करोगे तो गार्टर स्टिच पैटर्न बनेगा। यान को भी साइज़ होती है और नीडल को भी साइज़ होती है। नंबर 6 यान के लिए आपको 10 मिलीमीटर्स की नीडल्स लगेंगे। अगर आप पतले नीडल्स से निट करते हो तो भी इट्स ऑल राइट, बट पर आपकी जो चीज़ बनेगी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनेगी। 4th या 5th लाइन से स्पीड आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपको स्पीड आ गया तो निटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू जस्ट हैव टू रिपीट वन थिंग, दैट इज़ यू हैव टू निट। तो एक गार्टर स्टिच ब्यूटिफुल पैटर्न बन गया है आफ्टर 2 hours ऑफ निटिंग। दिस इज वॉट आई हैव अचीव्ड। इट्स अबाउट 4 feet लॉन्ग राइट नाउ। यान ज्वाइन करेंगे। यान ज्वाइन करने के लिए आपको नया रोल लगेगा और सिर्फ आपको एक नॉर्मल गार्ड बांध देनी है और जो सिरे बच जाए उन्हें काट लेना है। आई वॉन्टेड टू शो माई सेल्फ निटिंग क्योंकि मुझे एक नेगेटिव कमेंट आई थी कि भाई डीप लाइफ तू निट नहीं कर रहा है, ये तेरे हाथ नहीं है। तो हाथ मेरे ही है और मैं आपको दिखा रहा था। निटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक मेडिटेशन। जब भी मैं वर्कआउट्स करता हूँ तभी भी ऐसा मज़ा आता है। आई गो इन टू दैट जेन मोड एंड यू कैन सी फ्रॉम माई फेशियल एक्सप्रेशंस हाउ मच आई एम एन्जॉइंग द होल नेटिंग प्रोसेस।
ये थोड़ा फास्ट मोशन में दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअली मेरा निटिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है। मैंने ये जो पूरा 7 फीट का स्कार्फ है अबाउट 4 आवर्स में फिनिश कर दिया। मैंने कंटिन्यूसली निट नहीं किया। ओके, अभी मैं आपको यार्न्स दिखाता हूँ। तो देखो, चंकी यार्न बहुत ज़्यादा मोटा होता है वर्सेस नंबर 2 या नंबर 3 यार्न, तो यू नीड टू गो फॉर चंकी नंबर 6 यार्न। अभी मैं आपको कास्टिंग ऑफ सिखाऊंगा। कास्टिंग ऑफ मतलब आपको निट करना है 2 स्टिचेस और जो पीछे वाली स्टिच है वो आगे डाल देनी है। इससे बेसिकली ये होगा कि स्कार्फ नीडल से निकल जाएगा एंड यू कैन वेयर इट इन पब्लिक, इट विल बी योर्स। वेरी सिंपल, जस्ट निट 1 स्टिच एंड रिमूव द पीछे का स्टिच। निट 1, रिमूव द पीछे का स्टिच। ऐसे करोगे तो जाके नीडल पे सिर्फ 1 स्टिच बचेगी। जब भी वो फाइनल 1 स्टिच बचती है तो उसे बस आपको खींच लेना है। मैं आपको अभी जल्दी करके बताऊंगा। और जो पीछे वाला यार्न बचा है उसे काट लेना है। एंड लाइक दैट योर स्कार्फ इज रेडी, इट्स आउट ऑफ द नीडल, इट्स रेडी टू फेस द वर्ल्ड। अभी मैं इसको टैपेस्ट्री नीडल में ऐड कर रहा हूँ, नीडल जिसकी आँख बड़ी होती है। एंड जो बचा हुआ सिरा है उसको सिर्फ अंदर किधर तो छुपा लेना है। इट्स वेरी सिंपल, जो फाइनली सिरा बच जाता है उसे काट लेना है। वेल, दिस इज हाउ आवर स्कार्फ इज लुकिंग लाइक, फ्लफी एंड ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक वी सॉ ऑन इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स वेयर इट इन पब्लिक एंड आई विल शो यू सम बी रोल्स। गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ कि टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मीडियम्स। आई पर्सनली नेवर थॉट आई'ड बी एक्सपेरिमेंटिंग विद निटिंग एंड आई रियली लव इट नाउ। वी हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद स्कल्पटिंग एंड अभी गणपति जी का फेस्टिवल आ रहा है। लास्ट ईयर मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाई थी, शायद इस साल भी हम लोग कुछ बढ़िया करेंगे। अगर आपको चाहिए हम लोग वैसा कुछ बढ़िया करें तो ज़रूर कॉमेंट करके बताना। हमेशा ज़िंदगी में ऑलराउंडर बनो, डोंट पुट all your eggs in one basket. Similarly, start investing early in your life and then you would have a chunky stock portfolio just like this chunky scarf. So guys, in the description box below there is a link of Zerodha, that is the country's number 1 stock broker. Start your investing journey today and you'd be a step closer towards financial freedom. जरूर कमेंट करके बताना कि अगर आपको स्कार्फ निट करना होता तो आप कौन से कलर का निट करते, और अगर आपने वीडियो देख के कोई स्कार्फ निट किया तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे बताना DM करके कि कैसे आपने निट किया, कैसा आपका स्कार्फ बना है। I'd be happy to see what you have knitted. And अगर मुझे सच में बहुत पसंद आया तो मैं अपनी स्टोरीज में शेयर कर दूंगा। हज़ारों लोग गाइस हमारी स्टोरीज देखते हैं। I am very excited what you knit. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी भी दबाना। We also have a shorts channel जिस पे हमारे ऐसे बढ़िया DIY art craft related videos आते हैं, तो जाके वो भी देखो। Well guys, that was it for this video. I hope you loved this one. This was your boy Deep Life and I'll see you in the next one.